लिए कितनी तेजी से काम हुआ है इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली ये तीन हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 30-35 साल पहले घोषणाएं हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। '19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरापतल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। और मैं 2047 तक 100 विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है।
इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए, बताऊं? आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ कर रह वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीने तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था, उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को
मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर है। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2, टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवे का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे, उनका पैसा ही तरसा तरसा कर दिया जाता था और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार
जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है उसका लाभ भी यहां के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार में यहां युवाओं के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसका शुभारंभ भी किया गया। आजमगढ़ मंडल के हमारे युवाओं को लंबे समय से शिक्षा से लिए बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज जाना पड़ता था। बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने पर मां बाप पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी मैं समझता हूं। अब आजमगढ़ का ये विश्वविद्यालय हमारे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। आजमगढ़, महू, गाजीपुर और इसके आसपास के कई जिलों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। आप लोग बताइए, ई यूनिवर्सिटी बन जाए से आजमगढ़ मऊ वालन के फायदा होए के ना? साथियों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे ना सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने हैं। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया है। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के इससे यूपी में पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, उसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है। और यही गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। आज आपके आशीर्वाद से वो गारंटी पूरी हो रही है।
साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चार जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार आज के विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इतने सारे विकास कार्य आजमगढ़ के इतिहास की पहली घटना है, ये विकास का उत्सव है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, मेरी बात मानोगे? सब लोग जरा पूरे आवाज से बताइए तो मैं बताऊं, मेरी बात मानोगे, करोगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें, इधर मंच वाले भी करें अगर मोबाइल फोन रखते हैं तो। सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, देखिए ये विकास का उत्सव है, ये है विकास का उत्सव, ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और आजमगढ़ की इस धरती पर विकास का एक नया अध्याय शुरू कर इतिहास रचने के लिए।